हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैनुअल एजुकेशन एंड हियर आई एम विथ क्वांट का जोश, एक सवाल रोज. एंड टुडे वी विल सॉल्व अ क्वेश्चन फ्रॉम टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस. सो वी हैव अ मैन कैन रीच अ सर्टेन प्लेस इन 30 आवर्स. इफ ही रिड्यूसेस हिज स्पीड बाय 1/15, ही गोज 10 किलोमीटर लेस इन दैट टाइम. सो फाइंड द स्पीड पर आवर. ठीक है, आप जानते हो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम. स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम. यानी स्पीड एंड टाइम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, है ना. एक चीज और आप याद रखोगे, अगर दो अलग अलग कंडीशन के लिए टाइम सेम है तो रेशियो, है ना, टाइम सेम है तो रेशियो बिटवीन डिस्टेंस एंड स्पीड d1 अपॉन s1 इक्वल होगा d2 अपॉन s2 के. इस कंडीशन का हम लोग यूज कर सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में. अगर आपको डिस्टेंस नहीं पता है ना, तो यू कैन अज्यूम दैट कि हम लोग डिस्टेंस जो कवर कर रहे हैं वो है एक्स किलोमीटर. ठीक है, एक्स किलोमीटर का डिस्टेंस S1 स्पीड, यानी कि पहले जो स्पीड था वो है 15, यू कैन राइट हियर 15. बाद में ये रिड्यूस हो जाता है 1/15 से, यानी कि जो नया स्पीड है वो हो जाता है 14. क्लियर एवरीवन? एंड यू आर कवरिंग द डिस्टेंस 10 किलोमीटर लेस, दैट मींस कि नया जो डिस्टेंस होगा वो होगा x-10. इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं, एक्स का वैल्यू आ जाएगा. सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा 15x-150 इज इक्वल टू 14x, और यू कैन से x इज इक्वल टू 150. तो एक्स क्या है, डिस्टेंस आया आपका, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मैन. सो व्हाट इज स्पीड, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम. राइट एवरीवन, डिस्टेंस है हमारे पास 150 किलोमीटर, टाइम कितना लग रहा है, टाइम लग रहा है आपके पास 30 आवर्स. When you solve it, you will get 5 km per hour as the speed of the man. We have one more method to solve this type of question, everyone. You can apply shortcut. Question में आपको क्या दे रखा है? Ratio of speed, है ना? Ratio of speed कैसे निकालोगे आप? पहले आप assume कर लो कि speed जो है वो है 15. बाद में ये speed reduce हो जाता है 1/15 से, यानी कि जो नया speed है वो हो जाता है 14. सो यू कैन से द रेशियो बिटवीन द स्पीड्स आर 15 एंड 14. तो अगर स्पीड का रेशियो ये है तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 14:15. राइट एवरीवन, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, पहले भी 30 आवर्स लग रहा था, अभी भी 30 आवर्स लग रहा है ना. तो यानी कि 15 का वैल्यू आपके पास क्वेश्चन में दे रखा है 30 आवर्स, तो 14 का वैल्यू कितना रहा होगा, 14 का वैल्यू रहा होगा 28 आवर्स. सो इन दिस 2 आवर्स, 2 घंटे में आपने 10 किलोमीटर लेस ट्रेवल किए हैं. 2 आवर्स में 10 किलोमीटर आपने लेस ट्रेवल किया है. तो आपको ये बताना है, 2 आवर्स में अगर 10 किलोमीटर लेस ट्रेवल होता है तो स्पीड कितना है. स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम. 10 किलोमीटर का डिस्टेंस आपने कवर किया है 2 आवर्स में, तो स्पीड हो जाएगा आपका 5 किलोमीटर पर आवर. दिस इज द आंसर. So this is the way to solve this type of question, everyone. You can apply any one of the method to solve this type of question. Thank you. So if you want to join our batches, so batches launched by Manuar Education, you can join our online and live classes. Here you can call 8828581455. So if you are Mumbai based, you can call for Borivali Center, Vasai Center and Dada Center. Please like, share and subscribe our YouTube channel, and you can also join our social media platform like Facebook, Instagram, Telegram, and please check the link in the description for more information, everyone. Thank you.